इससे अच्छा तो बाहर जो वो पानी है तब वो धूल गंगा लग रहा था, ये कुछ कचरा गंगा लग रहा है। एंड अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो जगह जिस नाम से ये मार्केट जानी जाती है। ना पूछ हमारी खुशी का हाल इस दुनिया की बर्बादी में। हमारे बीच अभी झगड़ा चल रहा है, जो लास्ट व्यू पॉइंट था उस पे भी ये नहीं थी ना मेरे साथ। सलाम दोस्तों, क्या चल रहा है? ठीक से हो? खैरियत से हो? सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बहुत दिन हो गए कहीं श्रीनगर के बाहर गए हुए, तो मैंने सोचा आज कोई छोटी सी ट्रिप प्लान करते हैं। तो आज तुम्हारा भाई जा रहा है यूसबर्ग, रास्ते में टोक्यो भी आ रही है। एंड अभी बज रहे हैं 12, तो थोड़ी देर हो रही है, तो जल्दी निकलता हूँ, टोक्यो को उठाता हूँ एंड मिलता तुम लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। शाद रहो, आबाद रहो, नेक रास्ते पे चलो, दीन दुनिया दोनों तुम सबको मिले, तुम्हारे साथ सबको मिले। चलो निकलते निकलते तुम लोगों को मम्मी से भी मिला दिया। एंड ये मुख्तार है। ओ मुख्तार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वे? ठीक, आप तो? ओ बढ़िया है। हाँ ठीक है, वो हाथ मिलाना। चलो ठीक है, आपका सेहत सलामत, यही दुआ। आज हर तरफ से दुआएं मिली है तुम्हारे भाई को। खैर मम्मी मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? चलिए अल्लाह हाफिज। एक चंद दरवाजा बंद कर। हाँ बोल। अब नहीं खोलूंगा मैं दरवाजा। क्यों? ऐसी मुझे तुझे तंग करना है। मैं आपके लिए आई। तो सोचो मैंने इसको ये अंदर आई थी ना, बोला एक्शन बाहर जाओ, खुद ही दरवाजा बंद किया। ओपन द डोर। अली खोलो ना। नहीं खोलूंगा। रोजे चल रहे, आप क्यों इतना सता रहे? रमजान की धमकी देती है। खुदा की कटघरे की धमकी देती है लड़की। और तू ठीक है? अच्छे से? हाँ, मैं आज पहली बार 11 बजे उठी। पहली बार मतलब इन दिनों इतना लेट उठती है? देख रहे हो लोग कितने आलसी हैं। Look who's talking। मैं उठता हूँ यहाँ पे सुबह 9-9 बजे। एक दिन कौन सा? जिस दिन यूनिवर्सिटी और कोर्ट जाना था, कल का व्लॉग। ये झूठी है, इसकी बातें मत सुनो। तो अब हम लोग यूसबर्ग जा ही रहे, तो मैं सोचा मैं पहले तुम्हें हमारी डेस्टिनेशन के बारे में कुछ बता दूं। यूसबर्ग का डिस्टेंस जो है ये लगभग हम 1.25 घंटे में कवर करेंगे। श्रीनगर सिटी सेंटर से ये लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में चाडोरा और चरार शरीफ दो टाउन जाएंगे, उसके बाद आएगा हमारा यूसबर्ग। एंड यूसबर्ग बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, ऑल्दो ये बडगाम मेन टाउन से बहुत दूर है, मगर फिर भी ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में आता है। एंड जो रास्ते में दो टाउन है ना, चाडोरा और चरार शरीफ, वो दोनों भी बडगाम में ही आते हैं। फिलहाल ये रास्ता है, इस एरिया को अब करालपुरा बोला जाता है, ठीक है? इसी के बाद हमारी चाडोरा टाउन का जो एरिया है वो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेगा, एंड वहीं से हम पहुंचेंगे चरार शरीफ, वहीं से हम पहुंचेंगे यूसबर्ग। उस रास्ते से आकर अभी मैं खड़ा हूँ चाडोरा मार्केट के बीचों बीच। एंड ये देखो, ये पूरी मार्केट है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे सब्जी वाले, इतने बड़े बड़े सब्जियों की दुकान मैंने पूरे कश्मीर में शायद ही कहीं कहीं देखी है, बहुत कम जगहों पे। जैसे ये भी देखो, यहाँ पे भी तुम्हें इतने अच्छे क्वालिटी के नदरू, मतलब यार बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, मैं क्या ही बोलूं। एंड ये यहाँ की बेकरी वगैरह तुम्हें यहाँ पे भी मतलब सब कुछ मिलेगा। एंड ये बडगाम से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड श्रीनगर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ का ये मेन ब्रिज है, ठीक है? ये है एक तरीके का चौक। इस साइड से जाता है रास्ता यूसबर्ग चरार शरीफ, इस तरफ से जाते हैं श्रीनगर, आगे से राइट की तरफ से हम जाते हैं बडगाम, एंड सीधे सुरू शेयर एक जगह है, ये रास्ता उस तरफ जाता है। एंड इस ये जो ब्रिज है ना, ये बना है दूध गंगा के ऊपर, तो इसके नीचे का मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये भी बहुत प्यारी तुम्हें नहर दिखेगी, इसको दूध गंगा कहा जाता है। समर्स में कभी आना, इसका जो फ्लो होता है ना वो एक अलग लेवल पे होता है, ठीक है? अभी तो क्योंकि मार्च का महीना है, बर्फ उतनी ग्लेशियर्स पिघल नहीं रहे, तो इसलिए इसका लेवल थोड़ा नीचे है, वरना इसका काफ़ी ऊपर होता है। फिलहाल हमें उस रास्ते से सीधे से राइट जाना है, एंड वहीं से हम पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, पहले चरार शरीफ और फिर यूसबर्ग। तो मार्केट से हम लोग अब गाड़ी की तरफ आ ही रहे थे, एंड देखो किसी भाई साहब ने गाड़ी लगा दी है, वेट कर रहे हैं। क्या करें, अब मत हमें रात तक इफ्तार तक यहीं बैठना है, कि हमें हो गया 10-15 मिनट यहाँ पर। हमें गाड़ी को क्या देना पड़ेगा, पैदल सफर करना पड़ेगा। पैदल पागल हो गई है, इमोशनल वो सपोर्ट देना चाह रही है, हमें बस में जाना होगा फिर। तो हमारी गाड़ी चाडोरा के कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच फंस चुकी है, एक इस गाड़ी की वजह से और एक
वो जो पीछे गाड़ी है उसकी वजह से। उधर से एक रास्ता जाता है, यहाँ से एक रास्ता जाता है। और क्या हाल है भाई? अब जब देख ही रहे तो सलाम ही कर देता यार। बच्चे बड़ा सर्जन आते हैं ना, कुछ 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 बड़े लेकिन एक्टिव होते हैं। लोग फ्लड में फंसते, लोग ट्रैफिक में फंसते, हम खाली जगह फंस गए कॉम्प्लेक्स में। तो फाइनली ये गाड़ी जो है इसके ओनर आ गए एंड अब आ गया है निकलने का वक्त। तो हम लोग अभी रास्ते में ही थे एंड देखो टोक्यो ने क्या ढूंढा। इसको ये जगह काफी अच्छी लगी। ये पेड़ बाय द वे नाशपाती के, नाशपाती एज इन इंग्लिश में पेयर, एंड उस साइड से तुम अगर देखोगे वो सारे सेब यानी कि एप्पल के दरख्त हैं। तो और मैडम अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा? हाँ अच्छा लग रहा है, काफी पीसफुल है। तू नहीं होती तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता। फिर आप यहाँ आते ही नहीं अगर मेरी होती तो। पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम लोग रुके हैं मेरी पसंद की जगह पर। ये देखो ये जो ये फूल जैसे है ना, ये मस्टर्ड है ना ये। हाँ। इनको मस्टर्ड बोला जाता है, सरसों बोला जाता है हिंदी में और कश्मीरी में तिल गगुल। तिल गगुल। तो ये देखो ये है असली खूबसूरती। यूसमर्ग तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले हमें चरार शरीफ पहुंचना है। और चरार शरीफ के रास्ते में देखो ये कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। वो जो सामने पेड़ देख रहे हो ना, वो नाशपाती के पेड़ हैं और एप्पल के पेड़ हैं। एंड वो जो पीले पीले येलो रंग के खेत देख रहे हो, वो वही सरसों के खेत हैं। खैर ये देख लो ये पूरा नजारा है। हमारे बीच अभी झगड़ा चल रहा है, जो लास्ट व्यू पॉइंट था उस पे भी ये नहीं थी ना मेरे साथ, मैं अकेला था तो ऑब्वियसली झगड़ा चल रहा है। तभी थी झगड़ा चल रहा है फोटो पर। जब हम सरसों के खेतों के पास पहुंचे थे तो मैंने इसकी कुछ पिक्चर्स ली। वो थी कैसी, मतलब उनको तो मतलब बड़ी बड़ी जो रील जो होती है ना ये सब मत दिखा, मतलब जो बड़े बड़े पोस्टर होते हैं ना सीनरीज के, वो वैसी फोटोज थी। फिर इसलिए मेरी फोटोज वो पता कैसी है, वो जो वो 40 साल के अंकल बेचारे होते हैं ना, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो खेतों में खड़े हो जाते हैं, वो बीच में एक खंबा साइड में होता है, एक खंबे वो खुद होते हैं, और वो ऐसी पूरी फोटो आ रही होती है बीचों बीच अजीब सी, बिल्कुल वैसी फोटो इसे ली। अब मैंने इसको बोला ये क्या ले रही है, ये बोलती है शुरू में इतनी जो अच्छी ली, अभी तुम खुद देखना वो फोटोज कैसी ली है, फिर तुम बताना अच्छी ली कि नहीं। उसके बाद मैंने बोला ठीक से ले, उसके बाद इसका मूड हो गया खराब, उसके बाद मैं ही नॉर्मल हो गई और आपका मूड फिर भी खराब था। तुम्हें लग रहा है मेरा मूड खराब? वो तो जब आपका मूड ठीक हुआ देन यू स्टार्ट व्लॉगिंग। चलो इससे पहले ये बाकी पोले खोले मैं अब कैमरा बंद कर दूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ चरार शरीफ की मार्केट के बीचों बीच। ये देखो ये सारी यहाँ की मार्केट है, इसका जो स्टेच है वो वहां से स्टार्ट होता है, काफी लंबा स्टेच है उसका, और यहाँ पे आके खत्म होता है। एंड यहाँ की सबसे फेमस चीज जो मुझे लगी वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, वो जो मिट्टी के बर्तन तुम लोगों को दिख रहे हैं वो बर्तन यहाँ के बहुत ही फेमस है। यहाँ पे तुम्हें हलवा पकौड़े वाले भी मिल जाएंगे एंड वहां पे भी ये सारा इन्हीं सब चीजों से भरा हुआ है। वहां पे तुम्हें कश्मीरी रोटियां मिलेंगी। तो ये काफी फेमस मार्केट है यहाँ की, एक फेमस का एक लौती ही मार्केट है। एंड अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो जगह जिस नाम से ये मार्केट जानी जाती है। तो अभी खड़ा हूँ मैं शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान के एकदम सामने। इसी के साइड में एक ब्यूटीफुल सी मस्जिद है, इसका नाम है खानकाह फैज़पनाह। ठीक है, शेख नूरुद्दीन वली को ही शेखुल आलम भी कहा जाता है। शेखुल आलम वही शेखुल आलम जिनके नाम से हमारे श्रीनगर का एयरपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, वो इन्हीं के नाम से बना हुआ है। एंड इनको अलमदार कश्मीर भी बोला जाता है। अलमदार का मतलब होता है फ्लैग बियरर, जो कश्मीरी का कश्मीर का परचम उठाने वाला। ठीक है, एंड कश्मीरी में इनको क्या बोलते हैं टोक्यो? नुंद्रेश। इनको नुंद्रेज बोला जाता है कश्मीरी लैंग्वेज में। तो इन्हीं के नाम से ये आस्थान है, इधर यही दफन है, इधर ही साइड में एक मशहूर सी ये मस्जिद है। एंड ये जो पूरा टाउन है ये सारा इसी आस्थान के नाम से जाना जाता है। मैं तुम लोगों को एक और बात बताता हूँ, 1995 में इस आस्थान में आग लग गई थी। ठीक है, वो क्यों लगी थी क्या लगी थी वो मुझे नहीं पता, वो तुम लोग गूगल कर लो। तो टोक्यो कैसा लगा अंदर जाके? काफी अच्छा पीसफुल है।
हैं, नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे सब। ठीक, मुझे भी अच्छा लगा। तो अभी मैं हूँ आस्थान की बैक साइड की मार्केट में। देखो ये सारा बैक साइड है, जिधर हम जो मार्केट मैंने पहले दिखाई थी ना वो था फ्रंट साइड। इसके पीछे आस्थान है एंड उसके पीछे मार्केट है एंड ये वाला बैक साइड है। एंड यहाँ पे एक फेमस चीज मैंने और देखी यहाँ की, ये देखो, ये इसको बोलते हैं टंगहट, यानी के ड्राइड पेयर। ये सिर्फ तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे और भी रखे हुए हैं एंड अभी मैं और ये टोक्यो खरीदेंगे इसको एंड इंशाल्लाह घर पे खाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, मिला ना हाथ। चलो ये हमने ले लिया अपना टंगहट एंड अब हम लोग जा रहे हैं यूसमर्ग। बहुत देर हो गई है हमें, बहुत ही आज गालियां पड़ने वाली है घर वालों से। मैं यहाँ से निकल ही रहा था तो सोचा इसको नजर दे दूं। ये जो यहाँ पे नलके लगवाए थे ना, ये मम्मा ने लगवाए थे। देखो इधर मेरी मम्मी का नाम भी लिखा है, डॉक्टर शाइना आगा। खैर ये अभी वर्क नहीं कर रहे तो मम्मी को इस बारे में बोलूंगा। अच्छा काम किया था लेकिन इसको मेंटेन करना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक बार के लिए इसको देखो, नहीं नहीं इसको नहीं, तू साइड हट। ये लैंडस्केप है ना, ये स्विट्जरलैंड से कम है। ये स्विट्जरलैंड से कम है। ये है हमारा यूसमर्ग, ये देखो भाई। ओ इधर घोड़े भी हैं, देखो घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, पता नहीं ये घोड़े के गधे। वहां पे जंगल है, उधर में बचपन में पिकनिक में गया था। खैर आज टाइम नहीं है, सीधे से एक जगह है जिसको बोलते हैं दूध गंगा। तो अभी तो वहां पानी कम होगा लेकिन फिर भी वहां पे यहीं से हमें चल के जाना है। तो जा रहे हैं साथ साथ। और टोक्यो साइड हट जा थोड़ा। ये देखो यहाँ की सीनरी। और तुम्हारा भाई कर रहा है इसको रोस्ट। टोक्यो थोड़ी पीछे हट जा। ये देखो कितना ब्यूटीफुल एरिया यहाँ का। वो जो यहाँ के ट्राइबल एरियाज के घर होते हैं ना लोगों के, जो ट्राइब्स में रहते हैं उनको गुज्जर बकरवाल बोला जाता है भाई। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है। देखो उधर से भी थे एंड इस साइड से भी है। पहाड़ों के पीछे वाला घर। ये किस मूवी का डायलॉग है? लैला मजनू। इधर देख। You hate that movie. तो अब हम लोग आ गए दूध गंगा। ये देखो। Are you serious? हम ये देखने कितना चल के आए। हाँ। ये कौन सी दूध गंगा है? खूबसूरत नहीं है? अली, हम लोग सच में? हाँ। इससे अच्छा तो बाहर जो वो पानी है तब वो दूध गंगा लग रहा था। ये कुछ कचरा गंगा लग रहा है। कचरा गंगा? हाँ वो गंगा का अपमान मत कर, दूध गंगा नाम है, कचरा गंगा क्या बोल रही है। मुझे बस ये हो रहा है कि हम लोग इतना चले वो भी इसके लिए। चलो यार, तुम्हें अगर बिलीव कर लिया तो तुम्हारा पोपट हो गया, इसका भी पोपट हो गया, दूध गंगा आ गया। अच्छा व्हाट द हेल। चलो गाइस बस आ गए हम लोग। हाँ अभी है थोड़ा, आजा आजा आजा। तो एक बार इस नज़ारे को देख लो एंड अब यहाँ पर आए गए तो मैं जरा चलते चलते एक रील तो हो ही जाए। ये ले पकड़ो क्यों। ये देखो ये है दूध गंगा। कैसी लगी ओए? अच्छी लगी ना? Covered with trees and all अच्छी है। क्या हुआ? मैंने बोला covered with trees and all बहुत अच्छी। देखो इर्द गिर्द तुम्हें पेड़ दिखेंगे सिर्फ एंड यहाँ से यह हमारी नहर बहती है। उधर उन लोगों ने बॉनफायर जलाए हुए हैं, वो लोकल थे यहाँ के। टेंट वेंट मुझे पता नहीं किस चीज के लिए लगे मगर जो भी है यार बड़ा ही खूबसूरत है। एक बार देखो तो ये है हमारी दूध गंगा और ये है हमारा यूसमर्ग। मन तो कर रहा था कि इस खूबसूरत नज़ारे के मज़े थोड़े और लूटूं लेकिन क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है इसलिए हमें भी अब यहाँ से रवाना होना पड़ेगा अपने अपने घर की तरफ। खैर आखिर में जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ना पूछ हमारी खुशी का हाल इस दुनिया की बर्बादी में। बाबा बाबा इसको देखो। ना पूछ हमारी खुशी का हाल इस दुनिया की बर्बादी में, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जो रहते हैं इस कश्मीर की वादी में। खैर अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म
अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. अपना ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो. खुदा हाफिज़.